तो ऊपर वाले का इंसाफ काम करला कल कि न्याय कुदरत का सबसे बड़ा है यहाँ, न्याय कुदरत का सबसे बड़ा है यहाँ, जहाँ सत्य की जीत होती सदा से, जमाने का इंसाफ जब मौन होता, प्रकृति भी गवाही कराए खुदा से। जिला कानपुर की करुण है कहानी, गिरीगम के बदरी से मासूम चलदा, कलम वक्त की बेजुबा चल पड़ी तो विजय माल पहनाए फांसी का फंदा। तारा जी हाँ आ गई सुना ये तारा जी तेने बता दे भैया कलू कितने बता दे सरजिया सरजिया ये कि अरे नकाब हुस्न मुसलसल उठाई जाती है, 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 नकाब हुस्न मुसलसल उठाई जाती है। मैं पीता नहीं जबरी पिलाई, पीता नहीं जबरी पिलाई जाती है, पीता नहीं जबरी पिलाई जाती है। ए भैया तरह जी है बाप, लेकिन गाना का भाव बाप के खुदा यो, खुदा का न्याय बड़ा लाजवाब होता है, खुदा का न्याय बड़ा लाजवाब होता है, यही पढ़ा, खुदा का न्याय बड़ा लाजवाब होता है, खुदा का न्याय बड़ा लाजवाब होता है, जहाँ हर जुर्म का पक्का हिसाब होता है, खुदा का न्याय बड़ा लाजवाब होता है, जहां हर जुर्म का पक्का हिसाब होता है। दुल्हन जब स्वार्थ की, दुल्हन जब स्वार्थ की सोलह सिंगार करती है, हृदय की सेज पर मानवता आह भरती है, लोभ की आग जब आदर्श को जलाती है, लोभ की आग जब आदर्श को जलाती है, पुण्य रिश्तों की साख खाक में मिल जाती है। अभागिन चंदा जब माता पिता विहीन हुई, कली सुकुमार चाचा चाची के अधीन हुई। कानपुर के कहानी बा, चंदा नाम के एक लड़की, उकर बाप मतारी मरगिलन, और आखिरी वक्त में चंदा के पिता अपने भाई के बिटिया हाथ धरा दलन की भैया हमार धन दौलत खेत बारी जौन कुछ हो कुल लेला, यह हमारे के बिटिया है कर परवस्ती कर दिया, चाचा चाची के अधीन लड़की करके और अपने स्वर्ग सिधार गिल, ये हमारे भाई के निशानी हो, एक के हमके पाले के हो, एक छोड़ब ना चचेवा कलश की बुढ़वा तो पगलायल बा, इससे बतियाओ गिरत ना हम अपन अपने बेटवे से आए बतिया के अजान छोड़ा ले, लड़कवा के बुला के कह लगल चचियावा तरज भाई हाँ एक आजकल कटिया के टाइम में यार बक्सर सरकारी मेहरारू गावली कि पकी गई लग जवा लटा की गई लालिया खाना की गौना गोइया खेत खेत चूड़ी आखन के गौरना, गोइया खेत खेत चूड़ी आखन के गौरना, गोइया खेत खेत चूड़ी आखन के गौरना। यह तरज में लेकिन गाना का भाव बात कि सोचले पपिलिया जलावे दिल यकीनिया जहर हो जाए,
है जौने दिन जवानी आ जहर हो जई है ना। बेटावा दिनेश से कहले समझाई कि हम हन के छतिया का घाव होई जाई, हम हन के छतिया का घाव होई जाई, हम हन के छतिया का घाव होई जाई। कि सदिया में होई बड़ा धनमा कहानिया जहर हो जाई है ना। देना पड़ी है सोना चानिया जहर हो जाई है ना। अरे बचवा तुहार बाप तो पगलाल बटन ये लड़की के साला छह महीना में बड़ी रुपया देवक बिना जमाना बड़ा तेज हो गया बाप, बड़ी महंगाई है। ऐसा कोनो उपाय लगाता कि ऐसे जान छूट जाती। लड़कवा कहस की माई बहुत उपाय दुनिया में बाप, उपाय तो ऐसा बा जब लगे के हाँ तो बच जाई घर हूँ का बच जाई और कुछ दो चार हजार और आ जाये कह बचवा तब वह उपाय लगा दे जल्दी। तेरी बल्ला भैया एक तरज भाई यहाँ कि रात दिन ढेला गिरे हमारे अंगनवा, अरे यही रे मर बला मुआ ले न गवना। वैसन है कौन रहल हुई वह है जो केवाड़ी के अतराम से बतियावत रह। हे भैया यह तरज है लेकिन गाना का भाव केरे स्वार्थ के पर्दा में ढकल नया नवाब आ डूबला ईमान बरी भइल बिराना। कई के बहाना अरे चंदा के बेचा छली जाके बेचा खाना, तीन दिन बाकी रहले रखिया कदीनावा, अरे डूबला ईमान बरी भइले बिराना। लड़िकवा लड़किया से अकेले में कहत करे बहनिया तुम्हारे बड़ के बाबू के बिटिया हो और राखी तीन दिन रह गए बाप, अब तो हर बाप में तारी नहीं बटन तो हमके राखी बनबू तो रखिया चला तुके दीवार ने अपने मन का पसंद के ले ला ले बजारे राखी दिया के बहाने ईद रुपया हो गया ना बही तीन दिन राखी के दिन ले आ गया बाजारे बेचे के, अरे राखी दियावे के घुमावत 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 ले गए एक जगह कोठा पर, आ कोठा पर ले जाके कलक बहनी तू यही रहा और हम आवत ही अब तरी सक एक आदमी से भेंट करके और तुहे कहाँ लेके घूमब तू यही रहा कहता है तमाम ना भर कलक जौने दे दत तबने कुछ फायदा कहो ले लन हजार दो हजार चल दिल छोड़ के तरी तरी जब अनहार हो गए लड़किया कहत भका अरे अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का यार नहीं लूट लिया घर यार का। नहीं रात हो लगल घरे कैसे जात कल घरे जाए कि ना हो कहता
कोठा कोठा तार भैया का कहले उन मालूम है चुके अरे कोठे की मलकिन बोली कोठे की मलकिन बोली रुपया चुकाई के बेच गई ना भैया तोहर बेचा बनाई के सुन के बाद चंदा का फटेले छतिया अरे अइला ना भैया भाई ललतिया करे तो बड़ा धोखा हो गल अरे नाता पटल लयागी बिरना नाता पटल लयागी बिरना किस्मत जरा पहिनिया रोव बनया भागी अरे किस्मत जरा पहिनिया रोव बनया भागी नाता पटल लयागी पहनिया रोवे बनिया भागी नाता पटलना आगी बिरना दिल का शीशा जब चूर हुआ तस्वीर बिखर गई सपनों की चंदा कोठे पर बिलख पड़ी होके शिकार खुद अपनों की ए भैया कोठा का मलकिन रुपया दे के खरीद ले बाप शहर के नामी नामी लोगन के खबर दे दिलस कि आज एकदम कुर्रा कुर्रा माल हमारे खुटा पर आयल बाप जे ज्यादा रुपया दे वही के सौंप दे लोग जुटा लगल लेकिन यहाँ तरज है बा करे लगा ले तकिया जाड़ा लगे ये तरज है लेकिन रोवेले चिड़ैया कोठे पर रोवेले चिड़ैया सेंटर सिधारी चौक आजमगढ़ से 10 रुपया देना भैया के धन्यवाद बाप ए भैया कोठा सजल महफिल लागी गई ले अगु गुरु का झनकार सुन लो गई ले आई गई ले कन्हैया कोठे पर रोवेले चिड़ैया कोठे पर सही अब सही है ए भैया बात आ गई सामने के बड़े बड़े लोग जुटलन शाम के महफिल लग गई लड़की से कहल गल कि लड़की अपना गाना सुनाओ कलश के मेरे से गावे कभी आईबे ना करत हम का गाई कहे कुछ भी गाओ जो तुम्हें आता वही गाओ या सब चली ए भैया गौलस का यह गावत बाप अरे कली में कन्हैया भैया कली में कन्हैया भैया गैला कौन वरिया हो बरसे नजरिया हो कहलत के प्रभु सुन ले रही कि द्रौपदी के लाज बचौला आज कलयुग में कहाँ हुआ यही कहत बात कि अनेको दुशासन हवा कोई ना कन्हैया हो यहाँ सारी समाज दुशासन बन के बैठल बाप और कन्हैया क्यों नहीं आल बाप यही कहत बाबू नहीं हम कोई ना कन्हैया हो अरे आप बिना
कवन रखी है अबला कसरिया जब कहले से वही महफिल में जा चटे रद्दी आदमी जाधन उधर रद्दी जगह है बार रद्दी जीवे करिए एक आध संगत पर के बढ़िया आदमी चल जाले कोई में कन्हैया आ लल इतना आदमी के बीच में कन्हैया भी आ लल जब कन्हैया के याद करके वो गावे लगल है उसमें कन्हैया अकेले में उससे पूछे लगल कह रहे तू तो विस्या नहीं लगती है तू इज्जतदार लड़की लगती है कैसे कुठे पर आ गई तो बतावे लगल अपन हालत बतावे लगल या तरह जैसे बदल गई बाप लड़कियां कहत बाप कि आज कोई नहीं जग में हमारे बीरना डूब नैया धर्म का बीज धार बीरना कहत बाप बतावे लगे अपन हालत कि मार बाप मतारी मर गिले हम अकेले अपने माई बाप के बिटिया रही हमारे बाप मेरे चाचा चाची के सहेज गिलन लेकिन मेरे बाप के लोग प्रॉपर्टी ले लहलन और हमके कि चाचा चाची भाई मोर दहवन विपत्तिया बैरी समाज नहीं बुझाई जतिया आज कोई नहीं मोर रखवार बीरना डूब नैया धर्म का बीते धर्म केहू नहीं बाप भगवान भी आज हमारे नाथ सुनत हो और ये महफिल में सब इज्जत लूटा वाला हाल बा केहू बचा वाला नहीं यार बाप इतनी बात जब कहले से हमारे भाई राखी के बहाने लिया कि हमके यहाँ पहुंच गल बा भेज गल बा और जो राखी खरीद ले वो रख ले केहू के बनाव वाला आज नहीं बाप गलत की बांध दे इस समाज में कन्हैया भी आल हो तू कन्हैया बुला दे हमारा नाम कन्हैया है बांधे राखी अब राखी बनवा के कन्हैया कहलत कि अरे रोई रोई कन्हैया कहन लागे पतिया अरे दुनिया में राखी का घटना की मतिया बाजी जन्म कदी है तब पर बीरना डूब नैया धर्म के पीछे दे करके भी तोरे आबरू बचाए घबराई हिम्मत और राखी तो बांधे ले तोरे राखी के बनहाई चाहिए तो हमें आई ला दो मिनट में लेके राखी के बनहाई कहलत करे देखा देरी हो जाई तो हमारा सौदा हो चुका लोग कौनो सेठ के घरे हम पहुंचावल जाप एक समझ ला कहना बहनिया रो मत घबरो मत राखी बन ले है ते तोरे आबरू जाए न दे ए भाई आप अरे कोठावा से चलल कन्हाई बहन के लिया रखिया के बनाई बहन के अरे मालिक रहते न सुखी है चमनवा कानपुर कोठवाली पहुंचल बिरनवा भैन थानेदार तब सहाई बहन के लिया रखिया के बनाई ब
कानपुर कोतवाली पहुंचल अजा के दरोगा इसे कहलक कि आप कानून के रखवाले हैं और आपके क्षेत्र में एक लड़की जबरदस्ती वेश्या बनाई जा रही है। कहलन जरा पता बता दो, सब पता लिखा दलन। दरोगा जी पहुंच के थाना वेश्यालय घेर ललन। घेर के ए भैया दुखिया के दल दल से जाके बचबल है, जान के अनाथ अनाथाल पठवल है। अरे फसली भवर नहीं आई बहन के, लियाव रखिया के बनाई बहन के। दरोगा जी चंदा की कोठा से बचा ले और बचा करके ले ले। कहने की बताओ तुम्हें कहाँ पहुँचा दे, कलत के हमारे दुनिया में कहीं ठिकान नहीं बा, हम कहाँ रह हमें भी पता नहीं बाप। हमके बचा तो ले लेकिन हम कहाँ शरण ले, हमारे कहीं गुजारा नहीं बाप। कहलन छा घबराओ मत, अनाथ आश्रम में ओके पहुंचा देलन। लेकिन ए भैया अरे कीचड़ से निकाली करके काटू में अधूराई गईली, अरे बेचल से बढ़ के अनाथालय के बतिया। जो सौदाबाजी होत रहल ए भैया तेरे तार पर से गिरली खजूर में अटकली, कि अरे सोच चंदन कैसे कपची है इज्जतिया। ये दस में आप मने भैया और पाई के सुघर मौका, पाई के शुभारा मौका दुखी आप फरार भैली, जू ही चवरा है ऊपर अली आधी रतिया। रात में लेटिन के बहाने निकलल बाप, निकल के भाग गए। अब भाग गए कहा, कानपुर जूही चौराहा पर। जूही चौराहा पर जब आई है तेरे चंदा का सूरत देखी मोहनी मूरत देखी, पकड़े पुलिस के जवान उतपतिया। दो नौजवान सिपाही पहरा पर हलक, रात में के अकेले जब देखलक एक मछली तालाब के गंदा कर दिले। ए भैया महकमे गंदा करने वाले, एक तो ऊ रहलक जो कि जाब के बचौलक, एक ही लोग रहलन दूजने ड्यूटी पर। कहने कि यार अकेले बार रात के 12 बजे बात और कहीं जन बाप भागल बा घरे से। तब कहला लड़की कहाँ जाओगी, कल बाबू का तो ठिकान नहीं भा कहाँ जाप, हमार न घर न द्वार न बाप न मतारी, कहीं ठिकान नहीं बाप, हम ऐसे से रूप में भागल है। कहला अच्छा अच्छा घबराओ मत, बगल में देखो बगीचा है, बगीचे में तुम बैठ के आराम करो, सुबह होगा तो कहीं चले जाना। जब बगीचा में बैठल है तई दिनों दिन अपन सनी सुरती उरती बनौलत, मूड उड बना के ठीक भैलन जब या तरज बदल गई। गिरा में फिर नहीं धुन पेश हो गई कि तो हसे मैं पूछी ना माली ना ये माली कहे के चढ़ावल बासी फूला मारी, कहे के चढ़ावल के दोनों जने घेर लन दोनों ओर से और साड़ी पकड़ के जब खींचे लग रहे हैं। तेरे मांगली मदद चंदा करली रुदानावा, ते तबले एक अंपी साहब आई ना समानावा, चंदा के बिटिया पुकार धाती, चंदा के बिटिया पुकार धाती, चंदा के बिटिया पुकार धारी। आवाज देव लगल आवाज देवल कोई है, मेरी आबरू बचा लो, अब तो हम देखा थी कौन और का ना होला। चिल्लाए लगल है जब एम पी साहब गाड़ी हुई रास्ते गुजरल, आवाज सुन रात्रि में सन्नाटे में गाड़ी रोक दो, ड्राइवर से गाड़ी रुकवा दिल। बॉडी गार्ड से कहला देखो जी कैसी आवाज आ रही, बॉडी गार्ड लोग देखल कहना कि साहब इस लड़की के दूटे सिपाही धोती खींचे थे।
अच्छा बुला लो, कलंग देखा हो एमपी साहब बुला दो गाड़ी में, वो लोग कलंग बुलावा था हम चले जाते अपनी ड्यूटी पर। दस कलन वहर यह लड़की की बॉडी गार्ड लोग पकड़ के ले लग, कलंग यही लड़की है साहब। कलंग क्या हुआ बिटिया, बेटी क्या बात है बेटी, कहल के ढाड़ साहब ढाड़स भैल क्या हमारा आबरू रह जाये। वाह जब बेटी कहलन तो सारी बात बतावे लगल। कलंग देखो यहाँ पर बात सुनने में टाइम लगेगा, तुम्हारी बात को गौर से सुनेंगे बेटी, बैठ जाओ गाड़ी में। अब बैठा के आगे जब गाड़ी में चल रहे कि बगुला भजत जब बलला पयाइल पार्टी के साथ बरंडी खुद गईल। अरे पकड़ कलाई बदकार धारी, पकड़ कलाई बदकार धारी, पकड़ कलाई बदकार धारी। उन्हों लोगन का बात निकल लगी बिटिया कह के ले लन घरे। कल जरा मूड बना ले तुम्हारी बात को सुनते हैं कि क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ। बिस्की छनल बारंडी छनल संगे के साथ चेला चाटी लोग छलन फुकलन मजे में। अब छान फुकलन तब जाके धीरे से कर हाथ धैलन। जब हाथ धैलन कल के बाबू ही का करते बा आपके बिटिया कहला कह चुप रहो जी, हम जो कहते हैं वो करते नहीं है, हम लोग नेता हैं, हम लोग तो चुनाव में बहुत सा वादा करते हैं लेकिन पूरा एक भी नहीं करते हैं। और बेटी कह दिया तो जबान से ना कह दिया कोई तुम्हारी बेटी हो। ए भैया मतलब जबान कोई कीमत ना है इनकी, नेतन के जबान का कोनो कीमत ना है। कल जबान से ना कह दिली कौन तुम्हारी बेटिया हो। ए भैया चलो वह हम जीत के जाना तो कहना कि अरे कहली तो कहली अब कौन करे के देखा जे पाँच साल बाद। तब ए भैया कहल कि समाज पर कभी ने लिखा कि सदियों से बेबस गमों से कुचलती वैदेहियों को जलाता समाज है, असमत के दामन में भर कर के कीचड़ मीरा को बिस्वी पिलाता समाज है, कलियों के दामन में भर कर के कांटा फूलों को फूलन बनाता समाज है। धर्मराज हैमान, धर्मराज हैमान पंचालियों को जंघे पहस के बिठाता समाज है। मत ए भैया अरे पहन के खादी बनी गई अपराधी गाधी बाबा के, पहन के खादी बनी गई अपराधी गाधी बाबा के, हाथ गुण चंदा के देहल बाधी गाधी बाबा के, काबू में नहीं आता गुलाब पिया के हाथ गोड़ बांध के उलार दल। हरे रोने लागे चंदा हमारे ना बाबू ना माई हो, नारी गरिमा लाज धर्म के अबला दे दुहाई हो, अंबर हुआ मौन धरती चुप सादी गाधी बाबा के, बढ़ने लगी वासना की जब व्याधि गाधी बाबा के, मृगा खाल में छिपा भेड़िया ऊंच नीच न सोचे हो, हार मास का तन पापी कुत्ता बन लगन नोचे हो, पल भर में चल पड़ी हम की आधी गाधी बाबा के, अब एक दुर्दशा रोने लगी समाधि गाधी बाबा के, ए भैया जो कुछ कहल वो कहत नहीं बनत बाप लेकिन याद हमें प्रमाण बा। हरे या चरा में दूध ज करे अखिया में पनिया भैया, लुटा भाई अपन जग के
जग के लुटावे अपन ममता दुलारा। वही नारी है जो कभी माँ बन के, कभी बहन बन के, कभी बेटी बन के, कभी स्त्री बन करके इस संसार के सहायक सहायत रही है। ए, लेकिन वह आज नारी हो बे जारी बन गई दी भैया। रोब चंदा पह लागल अश्व कधारा। अरे हो के मद जियारा में धड़कल प्रति सोध का यज्ञ भैया। सो बदला जरूर ले करली विचार हो के मद हो के सुधी गई ना ये भैया। ए भैया सोचे लगन ये लोग कहले का कि नशा में रह के लिए और बलात्कार के बाद इन्हें लोगन के जन बात शक्ति कमजोर पड़ गई। कुल जने के कुल जने अपन मुंह टेढ़ करके सुतलन लोगन। आ जब लोग सुतलन है नशा में चूर होके और एकर साड़ी कहीं फेंकाई बा, कपड़ा कहीं फेंकाल बा, अब एकरे शरीर में रूप बदल गए कर। अरे ही अला में जागल प्रतिशोध का यज्ञ भैया। बदला जरूर ले करली विचार। अरे हो के मद होश खो के सुति गई ना ये भैया। अरे सड़िया का फंदा गले में हरी डाला। जो साड़ी उतार के फेंकल सड़िया उठा ले बा और के ऐंठ के फंदा बनवा ले बा आई एमपी साहब के गले में डाल ले ले बा। और सुदगल में नशे में हुए आई धीरे से फसरी लगवले बा। अरे कसा लगली काली तब काटा कैन दैया। कसा लगली काली तब काटा कैन दैया। अतन से सुगनवा हो गई ले फरा। अल्लाह मचल गई लिखाने खबरिया। पकड़ के पुलिस दहला जलवा में डाला। धारा में फसल फिर न्याय के नवरिया। सुनिक सुने है वकील रवि यादव कुमार। लड़की जेल पहुंचाओल गई ओकर मुकदमा चालू हो गया। सुनल कि एक अबला है ओकर सारी मुसीबत उनके जो सुनाइल है कैसे जन ओकरे साथ अत्याचार भयल बा। लेकिन आज वो लड़की अपने आबरू बचावे में फांसी झुलावल के बारी आ गेल बा ओके गैलन जेल के अंदर। ए भैया जिला कारागार में तब जाके समझाव। कि काल के कराल गाल चले निशान। रवि कुमार यादव एडवोकेट कहने के लड़की वकालतनामे पर दस्तखत कर दो। गलत का हुई गलत तो के बचाई गलत कम के जीना ना हो धरती पर। अब मर जाएगा हमारा कुछ रहना गल हमें जीना ना हमके मत बचावा। कहने की देखो जी तुम्हें समाज में भी जीना है और मैं समाज को दिखा दूंगा। ए भैया दस्तखत करा ले कलर कैसे बचेबा हमके। कल की सोच तो के जब फांसी हुकुम जज साहब सुनई है ते अंतिम इच्छा पूछल जाई फांसी के समैया। तक कहना सुहागिन बनूगी सरकार। अंतिम इच्छा कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तुम इतना ही कहना कि जिंदगी में एक बार सुहागिन बन के तो दुनिया से जाना चाहती हूँ। यह तुम मांगे कलश ठीक बात। ए भैया अदालत में पेशी भई जज साहब कलन की तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो बोल दो तुम्हें फांसी होने वाली है। दिन तारीख अभी बाद में दिया जाएगा पहले कोई ख्वाहिश है तो बता दे। कलश की हाँ हे संसार में बड़ा दुख उठौली एक बार स्त्री का जन्म मिलल बा मांग में सेनूर भर के दुनिया से जाए चाहती। कहना कि भाई शादी विवाह कोई बच्चों खेल नहीं है इसमें समय लगेगा। तुरंत ही तुरंत एक काती लड़की से ब्याह कौन करेगा। कलत के वकील साहब कलन कि भाई मांग रही है तो उसको समय दे दीजिए और कोई तो करी लेगा शादी। ए भैया
कलर कितना समय दें? लड़की कलर की जितना समय आप उपयुक्त समझे, सही समझे, उतना समय हमके दे दा। अरे दहली अदालत 3 माह का समैया, अपने निर्णय के अनुसार 3 महीना का टाइम दे कि लड़की 3 महीने का समय है, जाओ 3 महीने के अंदर शादी करके कोर्ट में हाजिर हो जाना। ए भैया बाहर आई जब छुट्टी मिलल है वकील साहब से, कहत के वकील साहब आप जो कहला तो कह दे, 3 महीना का टाइम ही मिल गया, बियावा हमसे के करी इतना जल्दी में, हम कातिल लड़की है, कतल कैले है, ऐसे लड़की से के ब्याह करी, हमार आबरू भी लुट गई लग, के ब्याह करी हमसे। अरे मनिया में मोती भरे लाबी कुमार, अरे कहा लड़की वकालत किया है तो बचाऊंगा, तुम्हें कहा है तो बियावा हम ही करब। कोर्ट में लिखा पड़ी के साथ शादी किलन, मंदिर में जयमाल भी डलत और नजीर भी ले लन, शादी के ए भैया प्रूफ भी ले लन। आज बीतल समय आईली कोर्ट में चिरैया, 3 महीना टाइम बीत गया और लड़की कोर्ट में हाजिर हो गई, वकील साहब भी साथे साथे हुए। जज साहब कहलक लड़की तुम्हारा टाइम पूरा हो गया और वक्त पर हाजिर हो गई, तू 3 महीना पूरा हो गया आज, लेकिन आज तुम्हें फांसी का दिन बताया जाएगा कि कहिया तुम्हें फांसी होगी, वह आज तारीख दे दी जाएगी। वकील साहब कहलत कि जज साहब दिनवा देवे से पहले तैसा हम एकर वकील भी है और एकर पति भी है, एक सवाल आपसे कल चाहती, कहिए आपको इजाजत है? ए भैया वकील साहब कहलन कि आज मौत भी बन जाई जीवन का दसिया, अरे कैसे माई साथ बेटा के दिया ही फसिया, कैसे माई साथ बेटा के दिया ही फसिया। साहब मालिया चंदा दोषी पर पुत्र नहीं है दोषी, सुन के वकालत कोर्ट के अंदर छा गई खामोशी, निर्दोषी का न्याय दिया ही ना दिया ही फसिया। ये तो दोषी है मान लेनी, हालांकि अगर सोचल जाए कानून के हिसाब से ती अपने आबरू बचावे में और एक आबरू जी लुटलस वो मौत का हकदार है, मरले हा तो सही मरले हा, ये निर्दोष है, लेकिन अगर कोर्ट एक कातिल मानत भी हा तो हम भी एक कातिल मान लेते हैं, लेकिन जन अगर पेटवा में लड़िकवा है वो कतल ना कैले हा। जज साहब कहना कि क्या कह रहे हो जी, कहना सही कह रहा हूं, कहे डॉक्टर को बुलाइए। अरे हुआ परीक्षण अस्पताल में, मिला बयान सब सच्चा, अरे गर्भ में चंदा के था, गर्भ के अंदर चंदा के था 3 माह का बच्चा, अरे चच्चा का भली रिहाई ना दिया ही भाई। सुना वकील साहब वकालत कर गए और ए भैया कहलत जब परीक्षण भयल अस्पताल में, डॉक्टर साहब रिपोर्ट में लिखलत कि लड़की के पेट में 3 महीने का बच्चा है। ए भैया यह ऊपर वाले का इंसाफ, कितना जने जिंदगी भर पूजा पाठ तीरथ व्रत करत रह जलन बिटिया बिटवा खातिर क्यों मिलत ना, और के मालिक सहजे में पहली रात में बच्चा ओकरे पेट में ठहरा दिलन, ये ऊपर वाले का इंसाफ कहल कि हुआ परीक्षण अस्पताल में, मिला बयान सब सच्चा, गर्भ में था चंदा के 3 माह का बच्चा, जच्चा का भली रिहाई ना दियाई फसिया, जच्चा का भली रिहाई ना दियाई फसिया, जच्चा का भली रिहाई ना दियाई फसिया। मालिक सुखीर के गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल गुरु कारी स्वर्ग से चंडिका कवि पंचन्य बल पुजारी, राम
कबीर सदगुरु से लगन है लागी ना ता बदल ला।